आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। भविष्य जो है ना, भविष्य को ये बचाने का काम करिए सरकार। और मैं मेरे को यही नजर ना रहा, जो अगर मैं कोई कांड कर दूँ ना मैं, तो मेरे को अभी वो पुलिस उठा के ले जाएगी और जेल में फेंक देगी। भविष्य को क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि ये दिल्ली पुलिस और सरकार भविष्य से डरी हुई है, क्योंकि भविष्य के ये दबाव में ये सरकार इस टाइम। आप प्रदर्शन करते रहेंगे या बाकी आपका सपोर्ट? देखिए, जब तक ये इनकी मांगे पूरी नहीं होगी और इनकी जो बहने साक्षी मलिक है भाई साहब, किसी के आज हो जाता है। बोलो मैं बता। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। नहीं हो का तो ऐसा बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। किसी के नाम नहीं है। अगर मैं सपोर्ट करने के लिए मैं आ रखा हूँ। ये भाई साहब चंद्रशेखर रावण की जो बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर में जी कृष्णैया को हत्या हो गई, 1994 में गोली मार दिया था। डीएम था जी कृष्णैया, डीएम था ये। जो ये मेरी बात सुनो, जो ये चंद्रशेखर रावण की जो बात है, जहाँ बीजेपी की सरकार वहीं दलित रह रहा है, बिहार में दलित नहीं रह रहा है, उसके समर्थन में क्यों नहीं गया? ये क्यों नहीं गया चंद्रशेखर रावण? ये दलित जो दलित के हितेशी बन, हम अपने बाप से जो बात कर रहे हैं, जो कि डीएम कृष्णैया को जो गोली मारे 1994 में, जिसको अभी आनंद मोहन के रिहाई करवाया नीतीश कुमार ने। मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे ना गोदी मीडिया देखने के बाद तो नहीं बोलते ना, गोदी मीडिया देख के बाकी बहुत बोलते। मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी है हाँ गोदी मीडिया बोल रहे। गोदी मीडिया ने भी ये भी दिखाया, मुरार के नारे लगा रखे। बताओ, गोदी मीडिया देखने, गोदी मीडिया बिकी हुई है। छोड़ो यार, तुम बताओ जो मैं कह रहा हूँ। सपोर्ट करोगे? हम सपोर्ट करने के लिए, हमें इनको इंसाफ दिलाने के लिए आए, ठीक है? दे दिया इनको बच्चों को। हम देश के मतलब कि जो हमारा जो भविष्य है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मैं देख रहा हूं कि देश की जो बेटियां हैं इस तरीके से नहीं पढ़ती हैं, रोड के ऊपर कॉलेजों में पढ़ती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी है जो आज एक कॉलेज का हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं करे। आज इन बेटियों से आके मिले नहीं है, इनको मिलना चाहिए। कर्नाटक के अंदर वो लोग रैलियां कर रहे हैं धड़ाधड़ से। हमारी जो मंत्री है, महिला है, वो भी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो बड़े शर्म की बात है। जो लोकतंत्र है, यहाँ पेट से राजा नहीं बनता है, यहाँ वोट से राजा बनता है। आने वाले भविष्य के अंदर जनता इनको जवाब देगी। और जो जो घमंड है ना, घमंड किसी का नहीं चलता इस संसार के अंदर। बिल्कुल। तो भैया, आप कैसे समर्थन करेंगे पहलवानों का? देखो भाई साहब, हम पहलवान की साथ में हूँ। अगर पहलवान के साथ अन्याय हुआ है तो हम उसके साथ हूँ। जब आपने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला फयाद आपके लंच हो गया, उसके बाद आपको सब कुछ हो गया, तो आप थोड़ा सा संयम रखो, आपको जाँच क्यों आने दो? आज आप मानो खिलाड़ी हो, दो मेडल सुशील कुमार भी लेके जाया था, वो कहाँ है? जेल में है, सलाखों के पीछे है कि नहीं? आपने किसी को आरोप लगा दो, आप अभी जांच को आने दो, सुप्रीम कोर्ट का जांच से चल रहा है, आने दो। अगर 300 फांसी दो उसको, तो कोर्ट अगर फांसी देगा, फांसी देना चाहिए अगर गलत किया है तो। भाई किसी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो उसके साथ सजा होना चाहिए। पर वहाँ पे तो अभी तक बयान ही नहीं दर्ज हो रहे हैं, तो फांसी कहाँ से होगी? तो फिर कोर्ट जाओ, अगर बयान दर्ज नहीं भाई, कोर्ट है ना हमारे पास, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना अपने पास, कानून है। जब याकू नमन के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो बच्ची के लिए क्यों नहीं खुल सकता है? जिसके साथ ये हुआ था, किसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खोल सकता है? समय गिरफ्तारी होती तुरंत। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, जब अगर मान लो याकू नमन के लिए, एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है, एक राहुल गांधी के कर्नाटक के चुनाव के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, एक बहन बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुलता है? अगर बयान देंगे सुप्रीम कोर्ट जाओ, भाई सपोर्ट में है कि किसके? हम उनकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन राजनीति जो करते उसकी सपोर्ट में नहीं हूँ। यहाँ जो बोलते हैं मोदी तरीके कबर खुदेगी, हमको आजादी चाहिए। नारे लगे हैं यहाँ के लोग, आजादी के नारा लगा रहे, उसके साथ नहीं हूँ। किस चीज की आजादी चाहिए भाई? अगर हमारा देश एक बार कल भी लगा नारा, हम उसकी नहीं। आपको आजादी किस चीज की चाहिए? देश से आजादी चाहिए क्या? देश तो पहले दो टुकड़े हो गए, नेहरू ने कर दिया। अगर आप चलो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, क्यों जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हैं आप? अगर राजनीति के मुद्दे से दे रहे तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम पहलवान, हमारे देश की गौरव है, मेडल जीत के लाए, हम उसको समर्थन करेंगे। तो फिर लगातार हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कुछ तथ्य है ना, बीजेपी के आए भी हैं। अच्छा, हाँ, सुनने नहीं, मेरे को सुनने को मिल रही है अभी आपके माध्यम से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इतना नहीं नहीं, वो खाली समर्थन है, वो समर्थन है, ये खाली समर्थन है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि धरना है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पहलवानों का धरना है जी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ तख्त बीजेपी के घुसे हुए हैं, वो चीज़ नहीं चाहिए। क्या ये बीजेपी के हैं? मैं तो थोड़ी बोला, ये बीजेपी के। फिर किसे बोला? कुछ लोग घुसे हुए हैं, मीडिया वाले भी हैं, पता ही नहीं है नीचे में होगा आसमान में, उनको यही पता नहीं जो है कहाँ पे अभी। ये आसमान नीचे है, उनको यही पता नहीं आए कहाँ पे भाई। भाई हम खाली अपनी बहनों की सपोर्ट में हैं,
हम कहीं नहीं है, हम लोगों भी है तो हम क्या करने आए, हम भी सपोर्ट में नहीं, तुम लोग सपोर्ट में नहीं हो, नहीं तो हमने क्या कर दिया, नहीं आप सपोर्ट में नहीं हो, ये तो कह रहे हैं सपोर्ट।